Hey guys, so today we'll visit Jaichandi Pahad, which is located in the Raghunathpur, Purulia district. So we'll exploring this Jaichandi Pahad and we enjoy a lot. So let's begin. नेचुरल ब्यूटी, माउंटेन एंड कल्चरल हिस्ट्री, इस जगह का सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर घूमना ही है। ट्रैवलर को एक अलग लेवल के एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस जगह से। एक बहुत ही चार्मिंग इन्वायरमेंट इधर है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखिए और मज़ा उठाइए। अगर आप जयचंडी पहाड़ आने के लिए सोच रहे हो तो आपको रेलवे कनेक्शंस एंड रोडवे कनेक्शंस बहुत मिल जाएंगे। अगर आप रेलवे के थ्रू आना चाहते हैं तो आप रेलवे जयचंडी पहाड़ रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा आपको, और स्टेशन का बाहर बहुत सारा व्हीकल्स टोटो वगैरह खड़ा है। आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और आप रोडवे का थ्रू आएंगे तो पुरुलिया से आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रोड मिलने वाला है। आपको गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है, आप रोड का मज़ा उठा सकते हो। अगर आप आद्रा से आ रहे हो तो आपको भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, रोड कनेक्शंस मिल जाएंगे, तो आपको इस बारे में टेंशन लेने का नहीं। तो एंजॉय कीजिए। द ग्रेट डायरेक्टर सत्यजीत राय यहीं पे अपना बंगाली मूवी का शूटिंग किए थे, हीरोक रजत दे से। दोस्तों, आपको इस जगह को मैं हेवन ऑफ द अर्थ भी बोलूँगा, क्योंकि बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट का है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। तो अगर मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस भाग दौड़ का ज़िंदगी से थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहते हो तो आपको दिल को शांति मिलने के लिए आप इस जगह पर आइए, घूमिए और अपना बिजी शेड्यूल को थोड़ा इधर फॉरवर्ड कीजिए।
जयचंडी पहाड़ का नेम जयचंडी माता टेम्पल से आया है, जो इसका टॉप ऑफ द हिल में इसका इनका मंदिर है। तो चलिए हम लोग 432 श्री चढ़ते हैं और टॉप ऑफ द हिल पहुंचते हैं और जयचंडी माता का दर्शन करते हैं, ठीक है। और आगे का सफ़र में साथ रहिए। और ये रहा एंट्रेंस गेट, और इन्वायरमेंट भी देख सकते हो, बहुत ही प्लेजेंट है। चलिए दोस्तों, हम लोग सुबह सुबह उठ के चले गए थे, अर्ली मॉर्निंग उठ के चले गए थे। और सामने जो इंसान को दिखाई दे रहे हैं, ये मंदिर का मेन पुरोहित है, जो हम लोग का सामने से ही जा रहा था, एक एक सीढ़ी मंत्र पढ़ पढ़ के चल रहे थे, तो हम लोग भी इनका पीछे पीछे ही गए। हे गाइस, तो अब हम लोग जयचंडी पहाड़ में क्लाइंब कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सीढ़ी है, 432 सीढ़ी है एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो बहुत ही दिक्कत आ रहा है, ठीक है, स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। और ये रहा पीछे का व्यू, इतना तक ऊपर आ चुके हैं हम लोग, अभी भी उठना बाकी है, जाना पड़ेगा इस सीढ़ी से। चलिए देखते हैं, मंदिर ऊपर पे है, देखते हैं। पहाड़ का थोड़ा ऊपर में ये गम्बुज टाइप का बना हुआ है, आप देख सकते हो, ये बड़ा सा गम्बुज बना हुआ है जो मेंटेनेंस नहीं किया गया है, इसीलिए थोड़ा टूट फूट गया है, बट अभी भी अट्रैक्टिव ही लग रहा है। अगर आप इधर आने का प्लानिंग कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा आप सीढ़ी चढ़ के आने का मेंटल प्रिपरेशन लेकर आइए, क्योंकि आपको सीढ़ी चढ़ने में बहुत ही दिक्कत आने वाला है, क्योंकि एक चांस में इतना ज़्यादा सीढ़ी उठने में आपको दिक्कत आने वाला है, ठीक है। और ये रहा मंदिर, बजरंगबली का मंदिर है ये, अभी ओपन नहीं हुआ है, और पास वाला है जयचंडी माता का टेम्पल। और इन द लास्ट हम लोग पहाड़ का टॉप में पहुंच चुका है, आप देख सकते हो ऊपर से टाउन का व्यू देख सकते हो, एक सामने वाटर टैंकी दिखाई दे रहे है, और सामने झील वगैरह है, और छोटा छोटा मकान वगैरह दिखाई दे रहे है। और सुबह का टाइम था, थोड़ा सा फॉग वगैरह था, आप देख सकते हो उधर बैठा हुआ है रिलैक्सेशन के लिए, और पास वाला वो वाला पहाड़ है। और इधर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव थिंग्स इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी सोच रहा है, जैसे शरणार्थी के लिए जो मंदिर का दर्शन करने आएंगे, जो ओल्ड एज पीपल हैं, उन लोगों के लिए रोप फैसिलिटी, रोप का थ्रू आना जाना होगा, क्योंकि चुड़ा में उड़ने में बहुत ही दिक्कत होता है ओल्ड एज पीपल को। और पास वाला जो लेक है, उसमें बोट वगैरह फैसिलिटी दे के और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। पुराना टाइम पे एक ट्रेडिशन था, राजा पंचकोट अपना एनिमीज़ को इस चूड़ा से, चूड़ा का हिल से फेंक देते थे एज ए पनिशमेंट का तरफ से, तो बहुत ही हरिबल टाइप का पनिशमेंट था।
अभी मंदिर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। और मेरे से जितना हुआ मैं माता जी का दर्शन करने का कोशिश किया, आप देख सकते हो। और पास वाला मंदिर बजरंग बली जी का मंदिर है, आप इनका भी दर्शन कर सकते हो। मैं इनका अच्छा से वीडियो ले पाया, अच्छा फोटो आया है। कोई भी ट्रैवल स्पॉट्स को आगे बढ़ाने के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट होता है एकोमोडेशंस एंड फूडिंग। सो गवर्नमेंट एक इसको प्रमोट करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया है जिसका नाम है पोतेश साथी, जो डे टू डे ट्रैवलर को हेल्प करते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए। सो आप जब घूमने आए हो आप इसका भी मज़ा उठा सकते हो। और इसका पास में ही, थोड़ा पास में ही एक जुबा आवास है जिसमें 100 ट्रैवलर्स एक साथ एकोमोड हो सकता है इन ए रिजनेबल कॉस्ट। तो आप बहुत ही कम पैसा में इधर रह सकते हो क्योंकि पोतेश साथी प्रोवाइड करते हैं, जो डे टू डे होता है ना, जो एक दिन के लिए आया और चला गया, तो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट आपको इधर रहना है 2-4 दिन के लिए तो आपको इधर जुबा आवास में रहना पड़ेगा, जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको रूम मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और आप इसका इंटीरियर देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा है, इतना अच्छा, मतलब मेरे को बहुत चार्मिंग लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इधर आ सकते हो, आप इसका मज़ा उठा सकते हो। और जयचंडी पहाड़ का सामने एक बड़ा सा पार्क भी, चिल्ड्रन पार्क भी है। आप इसका एंट्री फीस 10 रुपीज़ पे करके आप इसका मज़ा उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। और इसका अंदर एक प्राइवेट लॉज भी है जिसमें आप रह सकते हो। आप देख सकते हो अंदर का व्यू बहुत ही सुंदर सा है, बहुत कुछ साफ सफाई किया हुआ है, अभी काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है, बहुत ही डेकोरेटिव है। आप आ सकते हो, आप इसका मज़ा उठा सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो को आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।